Hello guys, I am Dhruv and you are watching DS Styles. So today's video is all about Beardo hair wax and aaj iske hum review mein ye bhi check karenge ye jo claim karta hai ki strong hold provide karta hai to hum ye bhi check karenge strong hold provide karta hai ya nahi aur isme likha hai ki ye crystal gel wax hai to hum ye dekhenge ki ye wax hai ya fir ek gel hai. की वीडियो में कवर करेंगे इसकी पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट, स्मेल, कंसिस्टेंसी, ब्रेकडाउन, होल्ड एंड फिनिश, वॉशेबिलिटी एंड माय फाइनल कंक्लूजन. फर्स्ट हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक जार में आता है. टॉप पे आपको इसकी ब्रांड नेमिंग मिल जाएगी, एंड साइड्स में आपको इसकी फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी लाइक इंग्रेडिएंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट्स. हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट पैराबेन एंड सल्फेट फ्री हैं. ये हमारे लिए बिल्कुल सेफ है यूज़ करने के लिए. एंड मैंने याद हो आप लोगों को तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसकी वीडियो में आज फाइंड आउट करेंगे ये जेल है या वैक्स. तो मैं इसको एक वैक्स ही कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में 20 वैक्स है जो सिर्फ वैक्स बनाने में ही यूज़ होता है इंग्रेडिएंट्स में. तो हम इसको जेल एज अ कैटेगरी जेल नहीं रख सकते. एंड हम इसकी स्मेल की बात करते हैं तो ये बहुत ओवर पावरिंग स्मेल नहीं है इसकी, बहुत सिंपल सी स्मेल है. एंड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये स्मेल कैसी है क्योंकि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ये स्मेल कैसी है. आप लोग खुद ही जब एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको समझ पाओगे. अब हम इसकी कंसिस्टेंसी एंड ब्रेक डाउन चेक कर लेते हैं ये कैसी है. तो ये कंसिस्टेंसी में बिल्कुल ईजिली जार से बाहर आ जाती है एंड ईजिली हैंड्स में ब्रेक डाउन ब्रेक हो जाती है. आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही ईजिली हमारे हैंड में ब्रेक हो जाती है. एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन दिखाने से इसको यूज़ कैसे करते हैं. मैं अपने हेयर को डैम्प करके आता हूँ ताकि हम इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें. मैं अपने हेयर को अच्छे से डैम्प करके आ गया हूँ. अब मैं ब्लो ड्रायर करूँगा और आपको फिर इसकी एप्लीकेशन दिखाऊँगा. अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हेयर अच्छे से ड्राई हो गए हैं. एंड अब आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा ये वैक्स. तो अपने हेयर लेंथ के हिसाब से अपनी क्वांटिटी ले लेना है एंड अच्छे से इमल्सिफाई करके. मेरे हेयर अच्छे से सेट हो गए हैं. एंड बात करें मेरे हेयर में ये इजीली स्प्रेड हो गई थी अच्छे से, मेरे को बिल्कुल भी टग एंड पुल फील नहीं हुआ. एंड अब इसकी हम होल्ड एंड फिनिश की बात करते हैं तो मेरे को इसकी होल्ड काफ़ी अच्छी लगी. इसकी हाई होल्ड है, मीडियम होल्ड नहीं है, इसकी हाई होल्ड है. एंड अब इसकी हम फिनिश की बात करें तो ये स्टार्टिंग में इसकी थोड़ी बहुत शाइन फिनिश होती है बट थोड़ी लेटर ऑन 10 to 15 मिनट्स इसकी नेचुरल एंड मैट फिनिश हो जाती है इसकी. तो इसकी हम वॉशेबिलिटी की बात करते हैं तो ये एक वाटर सोल्यूबल वैक्स है. ये एक बिल्कुल नॉर्मल वाटर से रिंस ऑफ हो जाती है आपके हेयर से, भी आपको कोई शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करने की नीड नहीं है. बात करते हैं माय लास्ट फाइनल कंक्लूजन की. सो मेरे को ये वैक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. एंड मैंने स्टार्टिंग में जैसा बोला था कि हम फाउंड आउट करेंगे इसकी हाई होल्ड है एंड ये वैक्स है या जेल. तो ये बिल्कुल एक वैक्स है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में 20 वैक्स डली हुई है एंड इसकी हाई होल्ड है जो ये क्लेम करता है वैक्स. एंड मेरे को बहुत अच्छी लगी इसकी परफॉर्मेंस. एंड अगर आप लोगों को भी ये वैक्स परचेस करना है तो आप लोगों को मैं अमेज़ॉन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं. सो गाइस इतना ही आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के संग भी शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें.